हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आपसे इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कई बार बोला कि मैम प्लीज जेनेटिक कोड से रिलेटेड हमें कुछ ट्रिक्स बताइए, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये टेबल जो है वो आपके एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, जिसके अंदर 20 अमीनो एसिड के लिए 64 जेनेटिक कोड जो है उनको मेंशन किया गया है। इस टेबल पे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, राइट। तो ये जो टेबल है इसको बनाना सबको आता है। आपको मालूम है इस टेबल को कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो हम लेटर यूज करते हैं, सीक्वेंस हमेशा यही रहती है, यू सी ए जी। देन आपको फर्स्ट बॉक्स में यू 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 ही लिखना है, सेकंड में भी सी सी, देन थर्ड में ए ए ए एंड फोर्थ में जी जी। सेकंड जो प्लेस है उस प्लेस पे हमेशा वही सेम सीक्वेंस आती है, यू सी ए जी, देन आपको वही लिखना होता है यू यू, राइट। वैसे ही इसमें आएगा यू सी, यहां आएगा यू ए एंड यू जी, राइट। एंड जो हमारा फोर्थ प्लेस थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस पे आपको यू सी ए जी लिखना होता है, लेकिन हर एक हम ये बोलते हैं कि ब्लॉक के लिए हम यू सी ए जी वन टाइम, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम हम लिखते हैं। और हर प्लेस पे थर्ड जो प्लेस है उस पर वैसे ही लिखा जाता है यू सी ए जी। इस तरीके से 64 जेनेटिक कोड जो है वो बनाए जाते हैं, राइट। इतना तो ये बनाना हमें आता है, लेकिन कौन सा जेनेटिक कोड कौन से एमिनो एसिड के लिए, ये हम भूल जाते हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जब पूछा जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो देखो, हमें ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग जेनेटिक कोड ऑफ ग्लाइसिन, तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो है जी जी यू, जी जी ए, जी जी सी, यानी कि थर्ड। ये मुझे लर्न था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आपको बाकी भी जितने भी एमिनो एसिड है उनके लिए जेनेटिक कोड लर्न होना चाहिए। तो कुछ सिंपल ट्रिक्स के थ्रू ओनली 4 लाइंस हम यूज करेंगे और उससे हमें सारे के सारे जेनेटिक कोड जो है वो लर्न हो जाएंगे एमिनो एसिड के लिए। तो हम उन ट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रिक है जो हमें अप्लाई करनी है। तो जो सबसे पहली हमारी लाइन आती है, जिसके अंदर फिनाइलएलानिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन एंड देन आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन एंड वेलिन वेलिन जो है इनके लिए जेनेटिक कोड आते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सी लाइन है, वो है फेलू से लव हुआ तो आई मेट वी। आई मेट वी एक नई तरह की मूवी है, जब वी मेट तो सबने सुनी है, ठीक है। इसी एक लाइन को याद करके आप सारे के सारे जेनेटिक कोड लर्न कर सकते हो। ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें टू, सेकेंड में वन, देन टू एंड देन वन, इसी सीक्वेंस में इनमें अमीनो एसिड भरे जाएंगे, ठीक है, टू वन टू वन। अब देखो, फेलू से लव हुआ तो आई मेट वी, फे से बनता है फिनाइल एलानिन, आप साउंड भी ऐसा ही करते हो ना, फिनाइल फे, तो फिनाइल एलानिन। लू, तो लू से बनता है ल्यूसीन, ऐसा ही साउंड करता है ल्यू, तो आप अगर इसको पढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे, ल्यू, तो ये बना ल्यूसीन के लिए, ल्यूसीन। ल्यूसीन के लिए सिंबल जो यूज किया जाता है इस अमीनो एसिड के लिए वो होता है एल, तो लव जो है, लव का जो एल है वो किसके लिए है, फॉर ल्यूसीन अगेन। एंड देन आई फॉर आइसोल्यूसीन, ये आप सब जानते हैं कि आई सिंबल है फॉर द आइसोल्यूसीन। एंड मिथियोनिन के लिए एम सिंबल भी यूज करते हैं, मेट जो है एब्रीविएट करके इस तरीके से भी लिखा जाता है मिथियोनिन के लिए, तो ये हुआ मिथियोनिन। एंड वी फॉर वेलिन, ये बना हमारा वेलिन। तो देखो, हमारे पास में आ गई है अमीनो एसिड के नेम्स। तो फेलू से लव हुआ तो आई मेट वी, सिंपल सी लाइन याद की, आपको सारे के सारे अमीनो एसिड के नाम आपको पता चल जाएंगे। आपको भरना कैसे, आपको पता है फर्स्ट ब्लॉक है टू अमीनो एसिड के लिए, सेकंड है वन के लिए, थर्ड अगेन टू के लिए एंड द लास्ट वन फॉर वन, यानी वेलिन के लिए। तो आपको ये सारे के सारे अमीनो एसिड याद हो जाएंगे, फेलू से लव हुआ तो आई मेट वी, सिंपल सी लाइन, राइट। तो ये हुई फर्स्ट लाइन। एक सेकेंड लाइन जो है वो क्या है, देखिए सेकेंड लाइन के अंदर जो आते हैं वो आते हैं आपके चार अमीनो एसिड, और सब में एक एक सिंगल सिंगल ही है, सेरीन, प्रोलीन, थियोनिन एंड एलानिन, राइट। तो ये सिंपल सिंपल आपको दिया गया है। इसके लिए एक सिंपल सी लाइन है, शेर प्रोग्राम देखने थिएटर आया, एक सिंपल सी लाइन है, बड़ी अजीब सी बात है ना, लेकिन आया, इससे आप याद कर सकते हो। शेर, सेरीन है ना, सेम साउंड कर रहा है, इसको आप शेर भी पढ़ सकते हो, राइट, तो सी ई आर को, तो उसी से बना है शेर, तो इससे हुआ सेरीन। प्रो से बना प्रोलीन, तो देखो ये बन गया प्रोलीन। देखने अगेन हमने लाइन बनाने के लिए लिखा है थिएटर, टी एच ई, थ्रियोनिन, तो ये टी एच आर जो इसके लिए सिंबल लिखा जाता है एब्रीविएट करके, तो थ्रियोनिन। एंड आया, एलानिन, आह का ही साउंड आता है, तो इससे बना एलानिन,
तो सेम प्रोग्राम देखने थिएटर आया, सेरीन प्रोलिन थियोनिन एंड एलानिन, चारों अमीनो एसिड आपको एक सिंपल लाइन से याद हो जाते हैं। आपको पता है कि सेकंड ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है, 1 1 1 1 आपको ये इसी तरीके से इस लाइन के अंदर फिल करना है, तो हर एक में आप एक अमीनो एसिड यहां लिख देंगे, राइट। तो सिंपल सी लाइन थी, सेम प्रोग्राम देखने थिएटर आया और इसी से आपको लर्न हो जाता है, राइट। चलिए अभी थर्ड लाइन जो है वो थोड़ी सी हमारी लंबी लाइन आ जाती है, क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक ब्लॉक के अंदर 2 अमीनो एसिड आते हैं, ऐसा हम याद रखते हैं। इसमें भी आएंगे कितने, 2, इसमें भी आएंगे 2, इसमें भी आएंगे 2 और इसमें भी 2 आएंगे 2। लेकिन यहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो 2 हमने लिखा है, ये सेकंड प्लेस जो है वो स्टॉप कोडन के लिए है, जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। तो यानी कि यहां पर कितने अमीनो एसिड आ रहे हैं, 1, राइट। इतनी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। और लाइन आपको क्या याद रखनी है, टायर हिसार से क्यों मंगवाया, आसिन ला देते। शायद मे बी एक्ट्रेस आसिन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, वहीं से नाम है ये आसिन। तो टायर हिसार से क्यों मंगवाया, अभी कैसे याद रखेंगे, देखिए टायरोसिन को आप TYR को टायर के रूप में पढ़ सकते हैं, तो यहां से आया टायरोसिन। हिसार HIS, ये देखिए एब्रीविएट फॉर्म है किसकी, हिस्टिडिन की, ये हो गया हिस्टिडिन, राइट। क्यू, आपको पता है ग्लूटामीन जो है उसके लिए जो सिंबल यूज आता है वो क्यू आता है, एमिनो एसिड के जो 20 अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं उनको एब्रीविएट करके भी लिखा जाता है और उनके लिए सिंबल्स भी यूज आते हैं, तो क्यू जो सिंबल है वो आता है फॉर द ग्लूटामीन, तो ये क्यू जो सिंबल है उसके लिए है। तो यहां पे आ गया हिसार से क्यू मंगवाया, देन लाइन को कंप्लीट करने के लिए हमने लिखा है आसिन ला देती, तो आसिन में ASN, आप देखो ASN अगर आप लिखते हो तो इसको आसिन साउंड करता है, पढ़ सकते हो, तो आसिन से बना एस्पार्जिनिन, राइट। ला देती, ला से बना लाइसिन, अगेन अपन जैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से ये हो गया लाइसिन, एंड देती में D जो है ये आता है फॉर द एस्पार्टिक एसिड, ये सिंबल है, D सिंबल यूज होता है फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड E सिंबल यूज होता है फॉर द ग्लूटामिक एसिड, तो यहां से बनेगा ये आपका आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड एंड E से आ जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड, राइट। और आपको याद है सब में दो 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 अमीनो एसिड आ रहे हैं, यहां पे फर्स्ट स्टॉप कोडन के साथ में, इसलिए टायरोसिन अकेला ही आएगा, तो देन टायरोसिन, हिस्टिडिन, एस्पार्जिनिन, देन लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, आपको बस ऐसे ही याद कर लेना है तो आपके सारे अमीनो एसिड हो जाएंगे एक सिंपल लाइन से, वो लाइन है टायर हिसार से क्यों मंगवाया आसिन ला देती, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, इसमें भी एक सिंपल सी लाइन है और आपको सारे के सारे अमीनो एसिड याद हो जाएंगे। देखिए इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या कि इसमें फर्स्ट में 2 आएंगे, देन 1, देन अगेन 2 एंड देन 1 अमीनो एसिड भरा जाएगा, जैसा कि हमने सबसे पहली लाइन में भरा था, राइट। वही चीज हमें ध्यान रखनी है, बट यहाँ पे एक स्टॉप कोडोन है इसलिए इसको हमें छोड़ देना है, तीनों ही स्टॉप कोडोन हमें याद है, तो UGA भी उन्हीं में से एक स्टॉप कोडोन है तो इसको हमें छोड़ देना है। चलिए लाइन एक सिंपल सी है, हमारे साथ में एक फैकल्टी है राघव सर, अगर आप लोगों ने प्रेप ऑनलाइन के अंदर उनके वीडियोस देखे होंगे, उनकी बहुत उनकी 4 सिस्टर्स हैं तो वो अपने बहनों के साथ घूमने जाते हैं, तो उन्हीं कंडीशन में हमने एक लाइन बनाई है, वो लाइन ये है सिस्टर्स ट्रिप पे राघव सर के साथ अर्जेंटीना गई, एक सिंपल सी लाइन और उसी से आपको याद हो जाएंगे सारे अमीनो एसिड। सिस फॉर द सिस्टीन, यहां से आया है सिस्टर का सिस, आप जो साउंड कर रहे हैं वहीं से बना सिस्टीन। ट्रिप से बना ये देखो, पर ये ट्रिप जो है ये आ गया फॉर द ट्रिप, तो ये हो गया यहां पे ट्रिप्टोफेन, राइट। और उसके बाद में आ जाएगा राघव, राघव का हमें आर लेना है, आर सिंबल यूज होता है फॉर द आर्जिनिन। सर अगेन जो आता है फॉर द सेरीन एंड अर्जेंटीना, ARG को आप अर्जेंटीना अर्ज से भी पढ़ सकते हैं, ये देखिए अर्जेंटीना, एंड गई से आया ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन जो है वो आ गया फॉर गई, तो एक सिंपल सी लाइन और उससे आपको क्या होंगे सारे के सारे अमीनो एसिड लर्न हो जाएंगे। तो ये है सिंपल सी ट्रिक्स फॉर द जेनेटिक कोड, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कुछ और ट्रिक्स भी आपको चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे, और कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ में मैं फिर से आपसे बात करूंगी, जिन सब्जेक्ट के जिन टॉपिक्स की ट्रिक्स आपको चाहिए प्लीज उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।